हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल टैग स्ट्रीट में। तो आज हम फिर से हाजिर है अपने नई वीडियो के साथ। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है टेलीग्राम के कुछ हम हिडन फीचर्स जानेंगे, कुछ ट्रिक्स जानेंगे, कुछ टिप्स जानेंगे जो आप नहीं जानते थे, नॉर्मल आप यूज़ करते थे, आज आप प्रो यूज़र बनने वाले हैं टेलीग्राम के। तो वीडियो पूरा देखें। तो मैं लेके चलता हूँ आपको टेलीग्राम में अपने। तो जैसे आप टेलीग्राम ओपन कर लेंगे तो आपको पहले फीचर की ओर लेके चलता हूँ मैं। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने जो लास्ट मैसेज भेजा है वो आपको कुछ भी टाइप कर दिया, मैंने मेरे से गलती हो गई टाइप करने में, तो टेलीग्राम आपको ऑफ़र देता है कि आप इसे एडिट कर सकते हैं। आप 48 आवर तक इसे एडिट कर सकते हैं। जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो जो आप रियल मैसेज भेजना चाहते थे वो आप टाइप कर लेंगे यहाँ, तो इसमें एडिट हो जाता है। जैसे सेंड पर क्लिक करेंगे वो चला जाता है। तो आप इसमें मैसेज एडिट कर सकते हैं। हालांकि एडिटेड लिखा आता है, सामने वाले पे भी एडिटेड लिखा हुआ जाएगा कि उसने एडिट करा है मैसेज, बट फिर भी एक फ़ीचर होता है, अच्छा फीचर है कि आपसे कुछ गलत टाइप हो गया है तो आप उसे सही कर पाएँ। अब लेके चलता हूँ अगले फीचर की ओर। अगला फीचर भी हमारा मैसेज से रिलेटेड है। अगला फीचर है हमारा, मान लो आज आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे है या कोई ओकेशन पड़ गया आपका, या आपका कोई इवेंट है या रिमाइंडर टाइप मान लो, तो उस टाइम पे आप भूल जाएं मैसेज करना, या आप सो रहे हैं, जैसे आप बर्थडे किसी को विश करना चाहते हैं बट आपको नींद अपनी पूरी करनी है, तो आप उस टाइम पे सो भी सकते हैं और आपको जो मैसेज करना था, जो विश करना था, वो भी आप कर पाएंगे। तो वो किससे कर पाएंगे, आप शेड्यूल मैसेज भेज सकते हैं। इसमें जो होता है हमारा टेलीग्राम, इसमें शेड्यूल मैसेज का ऑप्शन होता है। तो जैसे किसी का बर्थडे है तो हमने टाइप कर लिया मैसेज, जितना भी बड़ा हमें टाइप करना है हमने टाइप कर लिया। उसके बाद जो सेंड का मैसेज होता है, सेंड मैसेज का आइकन होता है, उस पर हमें लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे हम लॉन्ग प्रेस कर लेंगे, शेड्यूल मैसेज पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हम टाइम डाल देंगे, डेट डाल देंगे जिस टाइम पे वो पहुँचना चाहिए। मान लो रात में 12 बजे पहुँचना है तो हम 12 सेलेक्ट कर देंगे और डेट और टाइम सब चुन लेंगे। जैसे हम क्लिक कर देंगे शेड्यूल मैसेज लग जाएगा, वो मैसेज अपने आप सेंड हो जाएगा सामने वाले के पास जब शेड्यूल का होगा। अब लेके चलता हूँ अगले फीचर की ओर। अगला फीचर भी हमारा मैसेज से रिलेटेड है। अगला फीचर है हमारा कि हम किसी को मैसेज कर पाएंगे बिना किसी नोटिफिकेशन सेंड हुए। जैसे मान लो आपका कोई फ्रेंड है, वो मीटिंग में है या कोई जॉब पे है, तो आप उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे कि वो आपकी नोटिफिकेशन से परेशान हो जाए और उसे कुछ बेकार में गुस्सा है, तो आप उसके लिए क्या कर पाएंगे, आप साइलेंट मैसेज सेंड करें जिससे उसके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगी, कोई पॉपअप नहीं होगा, कोई साउंड नहीं आएगा, आपका मैसेज साइलेंट बिल्कुल उसके पास जाएगा। जब वो आप टेलीग्राम अपना ओपन करेगा आपका मैसेज शो कर लेगा, दिख जाएगा उसे। तो वो आपको कैसे करना है, आपको सबसे पहले मैसेज टाइप कर लेना है जो आप भेजना चाहते हैं और लॉन्ग प्रेस करना है सेंड के आइकन पर। फिर आपको शेड्यूल के नीचे वाला जो ऑप्शन है सेंड विदाउट साउंड, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वो बिना किसी नोटिफिकेशन के सामने वाले पर पहुँच जाता है। तो ये था हमारी एक और मैसेज से रिलेटेड। अब लेके चलता हूँ अगले फीचर की ओर। अगला फीचर है, अगर सामने से कोई मैसेज रिसीव हुआ है, अगर सामने से कुछ मैसेज रिसीव हुआ है और वो कुछ अव्यूज़ है या कुछ बेकार चीज़ है, या आप प्राइवेट कोई चैट कर रहे हैं, आप नहीं रखना चाहते हैं, सामने वाला भूल गया डिलीट करना बट आप नहीं रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से दोनों साइड की चीज़ें डिलीट कर सकते हैं। हालाँकि मेरे पास अभी कोई सेंड मैसेज नहीं है सामने की तरफ से, बट आपको मैं दिखा देता हूँ ऑप्शन। जैसे हम लॉन्ग प्रेस करते हैं उस आइकन पे, चाहे ये सामने से आया होता तब भी हम लॉन्ग प्रेस करते तो यही ऑप्शन आता है। तो आपको ऑल्सो डिलीट फ्रॉम सामने वाले का जो नाम होता है, जो आपने कॉन्टैक्ट में नाम सेव करा हुआ है, वो लिखा हुआ होता है, और जैसे ही हम डिलीट पे क्लिक करते हैं ये बोथ साइड से डिलीट हो जाता है मैसेज, अब ना आपको दिखेगा ना उसे दिखेगा। तो ये भी टेलीग्राम का एक फ़ीचर है जो कि प्राइवेसी से रिलेटेड है। अब लेके चलता हूँ अगले फीचर की ओर। अगला फीचर है कि हम किसी को अगर कोई मैसेज भेजते हैं या कोई वीडियो भेजते हैं या कोई फोटोज़ भेजना चाहते हैं बट कुछ सेकेंड के लिए, तो आप क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, उसे ओपन कर लेंगे लॉन्ग प्रेस करके। जैसे ही आपकी वो पिक ओपन हो जाएगी तो आपको नीचे जो टाइमर का ऑप्शन दिख रहा है इस पर सेलेक्ट करना है। आप यहाँ से 1 मिनट तक लगा सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, आप कुछ प्राइवेट फ़ोटो किसी को भेज रहे हो और आप नहीं चाहते कि वो उसके पास रहे, तो जैसे ही आप टाइमर लगा देंगे 1 मिनट का या 1 सेकेंड या 5 सेकेंड जितने का भी, मैक्सिमम इसमें 1 मिनट का है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो सामने वाले पे जब वो फ़ोटो सेंड हो जाएगी वो 1 मिनट तक रहेगी। 1 मिनट के बाद वो फ़ोटो अपने आप गायब हो जाएगी, ना उसके गैलरी में रहेगी, कहीं भी नहीं रहेगी। तो ये बहुत अच्छा फीचर लगा, सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि ये टाइमर वाली फ़ोटोज़ है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है टेलीग्राम का जो आप यूज़ में ला सकते हैं। अब लेके चलता हूँ अगले फीचर की ओर। तो अगला फीचर आपका होने वाला है प्राइवेसी रिलेटेड। हमारा चैनल चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, या आप टेलीग्राम है,
तो हर चीज़ में प्राइवेसी लेके चलता है, प्राइवेसी के ऊपर बहुत ध्यान देता है, क्योंकि प्राइवेसी बहुत अच्छी चीज़ होती है जो कि हमें रखनी चाहिए अपने फ़ोन में। तो अब लेके चलता हूँ प्राइवेसी की ओर। तो सबसे पहले आपको सेटिंग खोल लेनी है इसकी, उसके बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको फ़ीचर दिखा दूँ मैं, तो वो है पासकोड लगाने का। आप अपने टेलीग्राम पे 4 डिजिट का पासकोड लगा सकते हैं, यहाँ आप जो भी पासकोड लगाना चाहें वो आप लगा लें। जो भी आप पासकोड लगाएंगे 4 डिजिट का, वो इनेबल होने के बाद आप बस जब पिन डालेंगे तब वो ओपन होगा। अगर आप अनलॉक विथ फिंगरप्रिंट इनेबल रखेंगे तो इनेबल हो जाएगा, और इसे ऑटो लॉक का अगर आप डिसेबल कर दोगे तो हर बार पूछेगा, वरना अगर आपने 1 मिनट कर रखा है तो 1 मिनट के इंटरवल के बाद पासकोड पूछेगा, अगर आप रिसेंट ऐप से हटा भी देते हैं तो। इसे डिसेबल रखें ताकि हर बार पूछे लॉक और आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहे। और अब लेके चलता हूँ एक स्टेप और प्राइवेसी की ओर। तो उसके जस्ट पासकोड के नीचे 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन होता है, जब आप इसे इनेबल कर देंगे तो आप जो यहाँ पिन कोड डाल देंगे तो ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपकी एंटर हो जाएगी। फिर आप चाहे 4 डिजिट से शुरुआत करके बहुत आगे तक डाल सकते हैं। फिर हिंट अपनी डाल लीजिए, जो आप हिंट रखना चाहते हैं, तो जैसे भी आप समझ पाएँ कि आप भूल जाएँ तो भी आपको याद आ जाए, तो हमने डाल दिया। अब यहाँ पर जीमेल का भी ऑप्शन आता है, आप अपनी जीमेल डाल दें कि अगर आप भूल गए हैं तो जीमेल से अपने रीसेट कर पाएँ। इसका फ़ायदा क्या होगा आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन का, आपको मैं बता दूं। अगर आप अपना टेलीग्राम अनइंस्टॉल कर देते हैं, आप अपना फ़ोन चेंज करते हैं तो ये काम आता है। अगर आपने अपना फ़ोन चेंज कर दिया तो ये कोड मांग रहा है मेरे, जो जीमेल पे गया होगा। तो अगर हम यहाँ पे वो कोड डाल देंगे जो भी आया होगा, तो ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो जाती है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप अगर फ़ोन चेंज कर रहे हैं या आपने अपना टेलीग्राम अनइंस्टॉल करा, तो जब आप इंस्टॉल फिर से करेंगे तो OTP आने के बाद ये आपसे एक बार पूछेगा, जो आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन में कोड डाला है, ताकि आपकी प्राइवेसी मेंटेन रह सके, आपका कोई टेलीग्राम यूज़ ना कर पाए। तो ऐसे आप हैक होने से भी बच सकते हैं। 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाना बहुत अच्छा होता है, तो ये आप व्हाट्सएप पे भी लगा लें और टेलीग्राम पे भी लगा लें, क्योंकि व्हाट्सएप पे भी इनेबल होता है ये फ़ीचर प्राइवेसी के अंदर। तो आप इसे लगा के रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब लेके चलता हूँ अगले फीचर की ओर। तो अगला फीचर है हमारा, मान लो हमने किसी को बहुत लॉन्ग प्रेस मैसेज भेज रखा है या सामने से कोई मैसेज आया है, बट हमें अगर कुछ कॉपी करना होता है तो व्हाट्सएप में तो नॉर्मल फीचर नहीं होता है कि हमें पूरा ही कॉपी करना पड़ता है, फिर हमें पेस्ट करके जितना हमें सेलेक्टिव पार्ट इंपॉर्टेंट होता है उतना हटाना पड़ता है, और जितना सेलेक्टिव होता है उतना रखना पड़ता है। बट इसमें हम प्री एडिटेड कर सकते हैं, हम लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे मैसेज को, फिर से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो सेलेक्ट कर पाएंगे हम सिर्फ सेलेक्टिव पार्ट, जितना हमें इंपॉर्टेंट है उतना हमने सेलेक्ट करा, कॉपी पे क्लिक करा, सिर्फ उतना पार्ट ही आप सेलेक्ट कर पाएंगे जितने आपकी ज़रूरत है। तो ऐसे करके हम सेलेक्टिव पार्ट इसका कॉपी कर सकते हैं। अब लेके चलता हूँ आपको अगले फीचर की ओर। अगला फीचर हमारा बहुत अच्छा है, जो कि टेलीग्राम हमें प्रोवाइड करता है। इसका फीचर का हमें बहुत अच्छा फ़ायदा लगा कि आप @YouTube करके जो भी लिख देंगे, उसके बाद जो भी आपकी क्वेरी है, अगर आप सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो वो आप टाइप कर दें, तो यहाँ पे YouTube का एक शॉर्टकट पॉपअप हो जाता है। तो यहाँ से जैसे कुछ भी भेजना है आपने सेलेक्ट करा, जो भी क्वेरी थी आपकी, तो ऐसे करके आपको ओपन नहीं करने पड़ेगा YouTube, आप यहीं से भेज सकते हैं। और एक और चीज़ होती है @ करके, अगर आपने GIF डाल दिया तो इसके बाद आपका जो भी मूड हो, जैसी भी GIF भेजना चाहते हैं वो आपने डाला, जैसे मैंने हैप्पी का डाला, तो ये पॉपअप हो जाती है, ऊपर आ जाती है, जो भी आप सामने वाले पे भेजेंगे यहीं से आप शॉर्टकट में भेज सकते हैं, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही हमने यहाँ क्लिक करा तो ऐसे वो सेंड हो जाएगा। तो ऐसे GIF की भी हम भेज सकते हैं। अब लेके चलता हूँ आपको अगले फ़ीचर की ओर। तो अगला फ़ीचर हमें प्रोवाइड होता है ग्रुप वगैरह के लिए, ग्रुप वगैरह जैसे हमें इंस्टाग्राम दे देता है, यूट्यूब दे देता है, कि हमें एक पोल फीचर दे देता है। पोल फीचर बहुत अच्छा फ़ीचर होता है, हम पोल क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि ये हर जगह फ़ीचर नहीं होता, व्हाट्सएप वगैरह में पोल का कोई फ़ीचर नहीं है, ये ग्रुप वगैरह में काम आता है। अगर कोई डिस्कशन कर रहे हो या आपने किसी से कुछ क्वेश्चन पूछा, तो उस टाइम पर आप इस पोल को यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई ग्रुप है तो उसमें ये सब होता है। जैसे कि मैं ऐड कर लेता हूँ, अपने में एक ग्रुप बना लेता हूँ, आपको पोल का फीचर मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ।
दोस्तों हमने कोई सा ग्रुप बना लिया, इसमें हमने मेंबर ऐड कर दिए। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पोल का ऑप्शन आपको दिख रहा है सबसे कॉर्नर में। आप यहाँ पे क्वेश्चन डाल दीजिए, जो भी आप क्वेश्चन डालना चाहते हैं। हमने पहला ऑप्शन डाल दिया, सेकेंड ऑप्शन डाल दिया, तीसरा ऑप्शन डाल दिया, ऐसे करके आप जितना ऑप्शन रखें, तीन रखना चाहें, दो रखना चाहें, यह आपकी मर्ज़ी है, हम क्रिएट कर देंगे। तो ये पोल क्रिएट हो गया, जो टैप करेगा अपने आप रेटिंग आ जाएगी। अब सेकेंड पर्सन जो टैप करेगा तो ये परसेंटेज अपने आप चेंज होती रहेगी। तो ये पोल का फीचर हमें प्रोवाइड करता है हमें टेलीग्राम। तो ये हमारे 10 फीचर हो चुके हैं जो कि मैंने आपको बता दिए टेलीग्राम के हिडन फीचर्स। तो ये बहुत अच्छे फीचर्स थे जो आप नहीं जानते होंगे, और भी इसमें फ़ीचर्स होते हैं, बट ये मेन फ़ीचर्स थे जिनको आप यूज़ ला सकते हैं डेली लाइफ में और डेली यूज़ में, कि जो टेलीग्राम आपको प्रो बना सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम ऐसी वीडियोस लाते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार विजिट करके ज़रूर देखें हमारे चैनल पे। हर एक इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम से रिलेटेड सारी ट्रिक्स एंड टिप्स आती रहती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।